अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी बाम मच्छी का सालन। इसके लिए मुझे चाहिए, मैंने 5 टमाटर को काट के रखी हूँ और 4 हरी मिर्ची और थोड़ी सी कोथमीर। इसे मैं जार में डालकर ये पीस लूँगी। मसाले को मैंने पीस कर एक बाउल में निकाल ली हूँ। कढ़ाई में मैंने तेल डाल के गरम करने के लिए रख दी हूँ। अब इसमें डालूंगी थोड़ी सी कड़ी पत्ता और 1 चम्मच जीरा। जीरे को हमें ज्यादा लाल नहीं करना है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे थोड़ी देर पका लूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट भून चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच मिर्ची पाउडर कश्मीरी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसे भी अच्छे से भून लूंगी। अभी मैं इसमें डालूंगी जो मैंने मसाला पीसी थी टमाटर का, अब वो इसमें डाल दूंगी। अब इसे हमें अच्छे से पकाना है। मसाले को अब मैं ढक्कन ढककर 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन हटाकर देख लेंगे। माशाल्लाह मसाला जो है पक चुका है, तरी भी निकल गई है। अभी मैं इसमें डालूंगी इमली का पानी। अभी मैं इसमें 1/2 गिलास पानी डालूंगी। आपको जितना पतला चाहिए उतना आप पानी डाल सकते हैं। अभी मैं इसमें नमक डालूंगी स्वाद के हिसाब से। अब इसे मैं ढक्कन लगाकर उबाल आने तक के पका लूंगी। अभी मैं इसमें डालूंगी ये 5-6 हरी मिर्ची, ये ज्यादा तीखी नहीं होती है। और इसमें डालूंगी बाम मच्छी। और इसे अब मैं ढक्कन ढककर 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम सालन को चेक कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह मच्छी भी पक चुकी है। अभी मैं गैस बंद कर दूंगी और इसमें डालूंगी कोथमीर कटी हुई। माशाल्लाह बाम मच्छी का सालन तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना बाम मच्छी का सालन कैसे बना। अल्लाह हाफिज़।